गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगलाड़ी बायोलॉजी क्लासेस. माय सेल्फ पुनोद मंगलाड़ी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज फैमिलीज. फैमिलीज, डिफरेंट फैमिलीज वी आर डिस्कस टुडे. बेसिकली यू नो व्हाट इज फैमिलीज. फैमिली इज द ग्रुप ऑफ प्लांट्स. फैमिली इज द ग्रुप ऑफ जीनस. एंड व्हाट इज ग्रुप ऑफ जीनस? ग्रुप ऑफ स्पीशीज. इंडिविजुअल मेंबर जहाँ पे हम स्टडी करते हैं उसको हम स्पीशीज कहते हैं. स्पीशीज के ग्रुप को हम जीनस कहते हैं और जीनस का जो ग्रुप है वहाँ पे हम फैमिली कहते हैं. व्हाट इज फैमिली? फैमिली मतलब ऐसा ग्रुप है प्लांट का कि जहाँ पे उस प्लांट का ग्रुप में जितने भी प्लांट्स हैं उनके कैरेक्टर सिमिलर रहते हैं उसको बोलते हैं फैमिली. एंड यू नो दैट फैमिली इज वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन. फैमिली क्या है? क्लासिफिकेशन के अंदर यूज करने वाली कैटेगरी है जिसका हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं ना. तो फैमिली स्टडी करते टाइम हम क्या स्टडी करने वाले? डिस्क्रिप्शन अबाउट इंपॉर्टेंट फैमिली. इस फैमिली का हम क्या स्टडी करने वाले हैं? डिस्क्रिप्शन मतलब ओवरऑल इंफॉर्मेशन. उसके कल ही आपको मैंने बताया था जब भी हम प्लांट की स्टडी करते हैं तो हम क्या स्टडी करते हैं? उसका विजुअलिटी कैरेक्टर, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, उसकी इकोनॉमिक यूज, ये सब कुछ बातें उसमें आती है ना. तो हम जो फैमिली स्टडी करने वाले हैं आज, आपको मैं बता दूँ हमारे सिलेबस को यहाँ पे तीन फैमिलीज है. आपके सिलेबस को तीन फैमिलीज का स्टडी करना है आपको. उसमें से जो पहली वाली फैमिली है, फर्स्ट फैमिली, दैट इज फैबेसी. फर्स्ट फैमिली कौन सी? फैबेसी. सेकंड जो फैमिली आप स्टडी करने वाले हो दैट इज सोलेनेसी. और तीसरी जो फैमिली आप स्टडी करने वाले हो दैट इज लिलिएसी. लिलिएसी ओके. एक्चुअली आप यहाँ पे सोचते होंगे कि सर आपने कंपेरेटिव ये तीनों नाम क्यों लिखे हैं? क्योंकि मैं आपको जो फैमिली स्टडी करवाने वाला हूँ, फैमिली को भी डिस्कस जो कर रहा हूँ आपके सामने में, वो कंपेरेटिव स्टडी के फॉर्म में कर रहा हूँ. क्योंकि जब तक आप ये तीन फैमिली में कंपेरिजन नहीं कर पाओगे तीनों में सिमिलरिटीज क्या है और तीनों में डिफरेंस क्या है, ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको उसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा. बहुत ही सिंपल ट्रिक्स आपको दूंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये फैमिली याद रखेंगे. ओके, आई होप ये फैमिली के अंदर के मार्क आपके एक दिन ही जाने चाहिए. हर एक मार्क आपके यहाँ पे कवर होना बहुत जरूरी है. और आपको ये भी बता दूं मैं, लास्ट चार पाँच साल से फैमिली के ऊपर क्वेश्चन आता ही है. ओके, 2014 से आप देखते हो पेपर में, नीट के पेपर में आप देखते हो तो फैमिली के ऊपर कुछ ना कुछ तरीके से क्वेश्चन आ रहा है. मोस्टली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट जो है फैमिली के अंदर जो प्लांट्स के उसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आ रहा है. तो हम अभी देखते हैं कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द फैमिलीज. इट इंक्लूड मेजर ऑफ द मेजर डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांट्स फैमिलीज. उसको फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला. हर एक प्लांट का, हर एक फैमिली का हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? विजुअलिटी कैरेक्टर, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम. ओके, और उसके साथ उसके इकोनॉमिक यूज इसके उस फैमिली के. तो चलिए शुरू करते हैं फैमिली का डिस्कशन. ओके, फर्स्ट फैमिली में आपको स्टार्ट कर रहा हूँ फैबेसी. जो पहली फैमिली है वो सी फैबेसी. व्हाट इज फैबेसी? इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली फैमिली है. इसकी प्लांट्स पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं. एंड अर्लियर इसका नाम था, इस फैमिली का पुराना नाम था पैपोनॉइडी या पैपोनोस था. इस फैमिली का जो ओल्ड नेम था वो क्या था? ओके, पैपोलोनाइडी. और ये पैपोलोनाइडी जो थी सब फैमिली थी किसकी? लिग्यूमिनेसी की. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूँ, लिग्यूमिनेसी मतलब जिसको लिग्यूम आते हैं, जिसको पॉड आता है उसको लिग्यूमिनेसी बोलते हैं. और ये लिग्यूमिनेसी के तीन टाइप है बेटा, पैपोलोनाइडी, सिजाल्पिनेसी एंड फैबेसी. तो फैबेसी का पुराना नाम था पैपोलोनाइडी, अभी इसको स्पेशल नाम से पहचाना जाता है, उसको फैबेसी कहा जाता है. तो इस फैमिली के आप क्या क्या स्टडी करेंगे? हम इस फैमिली के हम स्टडी करेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर. क्या स्टडी करेंगे? वेजिटेटिव कैरेक्टर. आपको पता है वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या क्या आता है? रूट कैसे है, स्टेम कैसे है, लीफ कैसे है कि नहीं? यह पूरा आता वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में. तो उस प्लांट का हैबिट क्या है? हैबिट मतलब कैसा दिखता है वो प्लांट्स? ट्री है, श्रब्स है, हर्ब्स है और क्लाइमर्स है. ट्री है, श्रब्स है, हर्ब्स है और क्लाइमर्स है. ये अलग अलग तरीके का प्लांट आपको मिलता है. रूट कैसे है? डायपोट है, क्योंकि डायपोट है ना.
ये प्लांट डाइकॉट है, इसलिए इसके रूट कैसे रहते हैं, डाइकॉट प्लांट के रूट टैपरूट सिस्टम रहता है। ओके, एंड रूट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, रूट के ऊपर क्या रहते हैं, रूट नोड्यूल रहते हैं। आपको पता होगा दैट रूट नोड्यूल आर यूजफुल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस रूट नोड्यूल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रो होते हैं सिंबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, और इसी तरीके से वो रूट नोड्यूल फॉर्म करते हैं। रूट ब्रांच जो है रूट नोड्यूल्स हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन विद हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। रूट नोड्यूल की वजह से बैक्टीरिया के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हेल्प करते हैं रूट्स। स्टेम कैसा है, स्टेम स्टेम में इरेक्ट और क्लाइंबर्स, इरेक्ट मतलब स्ट्रेट और क्लाइंबर मतलब सपोर्ट करके, सपोर्ट लेके ग्रो होने वाला प्लांट्स उसको क्लाइंबर बोलते हैं। ओके, स्टेम है ल्यूस, ल्यूस कैसे इसके इसके ल्यूस है अल्टरनेट, पता है आपको अल्टरनेट फाइब्रोटेक्स से आपने स्टडी किया है। अल्टरनेट का मतलब हर एक नोट के ऊपर एक लीफ आता है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट। तो ल्यूस कैसे है, अल्टरनेट है। ओके, रेयरली सिंपल रहते हैं, सिंपल पता है आपको एक ही लैमिना रहता है लीफ के अंदर, पिनेटिव कंपाउंड स्टिपुलेट लीफ बेस पल्वाइनेट, पढ़ाया था आपको मैंने, पढ़ाया था मैंने आपको लीफ बेस, लीफ बेस पल्वाइनेट याद आ रहा क्या? देखो लीफ में आपको पढ़ाया था मैंने, लीफ में लीफ का जो बेस है, लीफ का जो पेटियोल है वो सोलन रहता है और उसको बोलते हैं पल्वाइनेट, पल्वाइनेट लीफ बोलते हैं। वेनेशन कैसा रेटिकुलेट है, डायकॉट है ना, डायकॉट है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। ओके, ल्यूज में है ल्यूज और लिपलेट मॉडिफाइड न्यूट्रिएंट्स, कभी कभी क्या होता है लीफ का कन्वर्शन लिपलेट में होता है एंड दैट लिपलेट्स आर यूज्ड फॉर द सपोर्ट। लीफ का कन्वर्शन लिपलेट में होता है और वो लिपलेट क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं टेंड्रिल्स। पी प्लांट में होता है, पी प्लांट में क्या होता है लिपलेट का कन्वर्शन टेंड्रिल में होता है। ये कौन से कैरेक्टर हो गए, दिस इज अबाउट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अभी दूसरा कैरेक्टर कौन से, फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स किसके, इस फैमिली के। ओके, ये पहले फैमिली के लिए पूरा लिख के दे रहा हूँ मैं, हर एक फैमिली के लिए नहीं लिखूंगा, बाकी फैमिली के लिए आपको मैं खाली इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके, ठीक है आप याद रखना, ठीक है चलिए। ओके, फ्लोरल कैरेक्टर क्या है बेटा, पहला इंफ्लोरेसेंस है मतलब रेसिमोस टाइप का इंफ्लोरेसेंस है। आपको पता है रेसिमोस में क्या होता है, डेवलपमेंट जो फ्लावर की नीचे से ऊपर होते हैं ना, बेस टू अपेक्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रेसिमोस इंफ्लोरेसेंस। फ्लावर कैसे है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है मतलब मेल फीमेल सेक्स एक ही फ्लावर में रहता है, और सिमेट्री कैसे है, सिमेट्री जायगोमॉर्फिक मतलब बायलैटरल सिमेट्रिकल फ्लावर है ना, जायगोमॉर्फिक फ्लावर है इसका मतलब सिमेट्री बायलैटरल है यहाँ पे। ओके, कैलिस में क्या है, सेपल फाइव है, गैमोसेपल्स है, कैलिस में कितने सेपल है, कैलिस में सेपल कितने हैं। ओके, तो अभी आप अगर बोलोगे सर फैमिली का इन्फॉर्मेशन कैसे लिखना है, तो आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ फैमिली का इन्फॉर्मेशन लिखने। ओके, तो सबसे पहली ट्रिक याद रखिए, पहली ट्रिक याद रखना है आपको, जब भी आप फ्लोरल फार्मूला लिखोगे, जब भी आप फ्लोरल फार्मूला लिखोगे तो उसमें जो फ्लोरल पार्ट है वो कैसे लिखना है आपको, आउटसाइड टू इनसाइड लिखना है, आउटसाइड टू इनसाइड लिखना है, मतलब जितने फ्लोरल पार्ट है वो बाहर से अंदर आ रहे होते हैं ना, तो सबसे बाहर आपको पता है कौन है, कैलिक्स है, उसके अंदर कौन है, कोरोना है, उसके अंदर कौन है, एंड्रोशियम है, बाद में गायनोशियम है। तो फ्लोरल पार्ट का जो अरेंजमेंट है वो बाहर से अंदर लेते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड, पहली ट्रिक्स। और फैमिली का जो नेम है, फैमिली का इंफॉर्मेशन जो है वो आपको याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ओके, सपोज आपको पता है आउटसाइड टू इनसाइड क्या रहता है, फिर सबसे बाहर आपको पता है क्या रहता है, सबसे बाहर क्या रहता है, के फॉर कैलिक्स, के फॉर कैलिक्स। ओके, देन सी फॉर करोला, देन ए फॉर एंड्रोशियम एंड जी फॉर गायनोशियम। हर एक फैमिली में, हर एक फ्लावर में चार वर्ण लेते हैं, राइट, के फॉर कैलिस, सी फॉर करोला, ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गायनोशियम। तो ये सीक्वेंस जो है इसका वो बाहर से अंदर रहना चाहिए, आउटसाइड टू इनसाइड रहना चाहिए, पहली बात समझ में, फ्लोरल पार्ट का सीक्वेंस बाहर से अंदर रहना चाहिए, ये बात क्लियर है। आप बोलेंगे सर ये कैसे याद रखना है, ये कैसे याद रखना है, इसके लिए मैं आपको सेंटेंस बोल रहा हूँ, किंग ऑफ कैनेडा इज अरोगेंट गाय, किंग ऑफ कैनेडा इज अरोगेंट गाय, किंग मतलब कैलिस, कैनेडा मतलब करोला, अरोगेंट मतलब एंड्रोशियम, गाय मतलब गायनोशियम, ये याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ।
ये चार मॉडल आपको बाहर से अंदर याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक दी है ये, ओके। बाद में फिर अभी फैमिली के बारे में डिस्कशन करना है आपको, तो सिंपली मैं बताता हूँ याद रखने के लिए। F फॉर फर्स्ट, F फॉर फर्स्ट, S फॉर सेकंड एंड L फॉर लास्ट। कितने फैमिली बेटा? तीन फैमिली है ना। कौन से तीन फैमिली है? फैबेसी फर्स्ट, सोरेलेसी सेकंड, लिलिएसी लास्ट। फर्स्ट सेकंड लास्ट, फर्स्ट नाम याद रखने के लिए फैबेसी, सेकंड याद रखने के लिए सोरेलेसी, लास्ट याद रखने के लिए लिलिएसी। ये हो गया फैमिली का नाम याद रखने के ट्रिक्स, फर्स्ट सेकंड लास्ट हो गया, ओके। बाद में अभी अगर आपको फ्लोरल फार्मूला लिखना है, इसका फ्लोरल फार्मूला लिखना है तो आपको बता दूं मैं, अभी फैबेसी फ्लोरल फार्मूला आपको मैं दिखा रहा हूं। ये क्या है बेटा? दिस इज द सिंबल ऑफ जायगोमॉर्फिक फ्लावर। तो आपको पता होगा ये जायगोमॉर्फिक फ्लावर का यहां पे आपको क्या दिख रहा है, दैट इज लाइक अ डिवाइडिंग सिंबल ना, जैसे डिवाइडिंग सिंबल रहता ना वैसे दिख रहा है आपको ये, राइट। सो दिस इज द जितने भी फैमिली आपके सिलेबस में तीनों तीनों तीन के तीन, ये तीनों में फ्लावर बाइसेक्सुअल है कंपलसरी, ओके। तो क्या बोलेंगे इसको? जायगोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्शन फ्लावर, राइट, हो गया। अभी फार्मूला आपको याद करवा रहा हूँ मैं, फार्मूला कैसे याद करिए करना है ये आपको बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले बोला जायगोमॉर्फिक, बाद में बोला बाइसेक्शुअल, अभी क्या है ये के मतलब कैलिस, कैलिस में सेपल कितने हैं, कैलिस में सेपल कितने हैं? फाइव। कैलिस में सेपल कितने हैं? फाइव। करोला में पेटल कितने हैं? फाइव है, मगर कैसे? वन प्लस टू प्लस टू, आपको बताया था मैंने याद करना आपको, वन प्लस टू प्लस टू, और जो टू है लास्ट वाला करोला में वन प्लस टू है, और जो लास्ट वाला टू है वो फ्यूज है। इसका मतलब आपको बताया था मैंने यहाँ पे करोला का जो एस्टिमेशन है उसको वैक्सीनरी एस्टिमेशन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? वैक्सीनरी एस्टिमेशन। चलिए हम फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, किसके फैमिली के, फैबेसी फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो उसमें क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले बताया फ्लोरल कैरेक्टर के अंदर फैबेसी फैमिली का फ्लोरल कैरेक्टर जो है, ओके, उसमें पहला पॉइंट आपको बताया मैंने कौन सा, इन्फ्लोरेसेंस है रेसिनोस टाइप का, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, जायगोमॉर्फिक है, कैलिस कैसा है, कैलिस में देखिए सेपल फाइव है, कैलिस में सेपल कितने हैं? फाइव है, ओके। कैलिस में कैलिस के अंदर सेपल्स फाइव है, ओके। गैमोसेपल्स है और वेलवेट और इंटीग्रल एस्टिमेशन है। गैमोसेपल्स का मतलब सेपल फ्यूज है और एस्टिमेशन कैसा है, एक तो वेलवेट है या फिर इम्ब्रिकेट है। किसका बोल रहा हूँ? कैलिस का एस्टिमेशन ऐसा है ना, एस्टिमेशन किसको कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स फॉर द एस्टिमेशन, आपको बताया मैंने। तो ये हो गया कैलिस के बारे में। करोला कैसा है इसका? करोला इन पॉट, करोला फुल पॉट, पेटल फाइव है, पॉलीपेटल्स है मतलब पेटल फ्री है, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो करोला है ना वो पैपोनेसिस करोला याद रखना, दिस टाइप ऑफ करोला इज कॉल्ड एज पैपोनेसिस करोला, एंड दैट पैपोनेसिस करोला शोज व्हाट? वैक्सिलरी एस्टिमेशन, ओके। पैपोनेसिस करोला में क्या होता है? वैक्सिलरी एस्टिमेशन होता है, और वैक्सिलरी एस्टिमेशन मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें आप देख सकते हो, डायग्राम में देख सकते हो, सबसे बड़ा जो पेटल रहता है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, ये दो बाजू वाले दो विंग रहते हैं, और सबसे जो छोटे हैं जो फ्यूल रहते हैं टू लैटरल विंग्स है, और टू एंटीरियर वन जो है फॉर्मिंग कील, जो सबसे एंटीरियर साइड पर रहते हैं वो कील है, और जो कील है वो फ्यूज है, कंबाइन हुए हैं फॉर्म टू द कील इंक्लूडिंग स्टेमन और पिस्टिल। इस कील के अंदर क्या होता है? इस कील के अंदर स्टेमन और पिस्टिल इंक्लोज होते हैं, और जब ऐसे अरेंजमेंट रहते हैं इसकी पेटल की तो उसको हम बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्सिलरी एस्टिमेशन बोलते हैं किसको? पेटल को, ओके। नेक्स्ट बाद में एंड्रोशियम कैसा है? टेन स्टेमन है। एंड्रोशियम में स्टेमन कैसे है? टेन है, और कॉम्बिनेशन कैसे है स्टेमन का? डायडर्पस। डायडर्पस मतलब कैसा? नाइन प्लस वन। तो आपको पता होगा
कि 9 का बंडल अलग है और फ्यूज है, इसलिए 9 को मैंने ब्रैकेट पे डाल दिया और 1 क्या है फ्री है, तो इसको हम बोलते हैं डाय अडाको स्टेमन। ओके एंड थर्ड डायफिकस है मतलब टू लोब है एंगल के अंदर। गायनोसिम में क्या है, गायनोसिम में क्या है सुपीरियर लोअर ईयर, याद रखना है तो आपको पता है अगर सुपीरियर लोअर ईयर तो कंडीशन कैसी है, हाइपोगायनस कंडीशन है, और अगर सुपीरियर लोअर ईयर रही तो गायनोसिम के नीचे हम अंडरलाइन करते हैं गायनोसिम में सुपीरियर लोअर ईयर मोनोकार्पेलरी यूनिकार्पेलर एक ही कार्पेल है, लॉक्यूल मतलब चैम्बर एक ही है उसके अंदर, ओव्यूल और मिनी ओव्यूल रहते हैं सिंगल स्टाइल है एंड ओव्यूल इन द टू अल्टरनेट रोज। ओव्यूल भी क्या रहते हैं, ओव्यूल मेनी है ओके मगर वो रो में रहते हैं, रो मतलब पॉड के अंदर आपको पता है जो सीड है वो लाइनिंग में रहते हैं वो रो में रहते हैं ओके। और बाकी फ्रूट कैसा है, फ्रूट इसका फ्रूट जो है लिग्यूम है ओके, और फ्रूट लिग्यूम है और इसको क्या बोलेंगे गायनोसिम इन सुपीरियर ओवरी एंड गायनोसिम इन सुपीरियर ओवरी एंड मोनो कार्पेलरी, मोनो मतलब वन वन कार्पेलरी इसलिए बोलते हैं मोनो कार्पेलरी ओके, सिंगल कार्पेल की वजह से उसको मोनो कार्पेलरी बोलते हैं। फ्रूट कैसा है लिग्यूम है, लिग्यूम मतलब प्लांट बोलते हैं उसको, फ्रूट को पॉड बोलते हैं और सीड जो है वन ऑफ मेनी रहते हैं और दैट सीड इज जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब क्या है ये डाइकॉट है ना, डाइकॉट है इसलिए इसको क्या कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला तो आपको लिख दिया मैंने ओके क्या है, जायगोमेटिक फ्लावर्स बाइसेक्शुअल फ्लावर कैलिस विद 5 सेपल्स करोला विद 5 पेटल्स पैपनेसिस करोला एंड्रोसिम विद 9 प्लस 1 स्टेमन दैट इज डायडल स्टेमन गायनोसिम विद सुपीरियर ओवरी एंड मोनोकार्पेलरी ओवरी, बस फार्मूला आपको रीड करने आ गया तो मैटर फिनिश हो गया ठीक है। ये हो गया इन्फॉर्मेशन, आपको ये ट्रिक बताया मैंने कैसे याद करना है ठीक है। अब ये भी याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे याद किया जाए, 5 5 5 5 = 10 5 5 = 10 बस याद करने के लिए सिंपल है हो गए ठीक है। फैबिस फैमिली, अब इसका लास्ट पॉइंट जो है इकोनॉमी इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट का, तो आपको इसके लिए भी सेंटेंस बता रहा हूँ मैं इकोनॉमी इंपॉर्टेंस याद रखने के लिए, इस फैमिली का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ओके। क्या ट्रिक्स है, सनसेट लीफ टेस्टेड, सनसेट लीफ टेस्टेड ओके, सनसेट लीफ टेस्टेड पी पी पॉड पी ओ डी सनसेट लीफ टेस्टेड पॉड पी ओ डी एंड 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 मुलायथी मुलायथी, ये है प्लांट के नाम याद करने के ट्रिक्स, सनसेट लीव टेस्टेड पी पॉड एंड मुलायथी, इसका सेंटेंस आपको लिख दिया मैंने याद रखने के लिए। अब याद कीजिए पहला प्लांट मैंने क्या बोला आपको, सन सन मतलब क्या है सन हेम, सन मतलब क्या है सन मतलब सन हेम, सन हेम मतलब क्या है पता है आपको फाइबर रिलीफ प्लांट है। बाद में सेट मतलब क्या है, सेट मतलब सिस्पिनिया, सेट मतलब क्या है सिस्पिनिया, सिस्पिनिया क्या है वाटर रिलीफ प्लांट्स है। लीफ मतलब लुपिन, लुपिन क्या है ऑर्नामेंटल प्लांट्स है ओके। बाद में टेस्टेड मतलब ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम क्या है बाद में ट्राइफोलियम भी फॉडर प्लांट है, फॉडर प्लांट प्रोड्यूस करने वाला, फॉडर मतलब जो एनिमल को फीडिंग करते हैं उसको फॉडर बोलते हैं ओके। बाद में पी मतलब स्वीट पी, पी मतलब स्वीट पी ओके, जो भी क्या है ऑर्नामेंटल है। बाद में पॉड में क्या है, जो पॉड है ऑयल ऑयल यूजिंग प्लांट्स है, पॉड क्या है ऑयल यूजिंग प्लांट्स है, तो उसमें हम आप बता सकते हैं क्या P for pulses, याद करना है P for pulses, pulses में कौन कौन आता है gram, arhar, sen, moong, soyabean, pulses में आ गया P for pulses, pulses में बताया मैंने आपको gram, arhar, sen, moong, soyabean, O for oil, oil में कौन आता है soyabean, groundnut, O for oil, oil में क्या आता है soyabean, groundnut, and D for dye, dye में तो कौन आता है indigo flora, डिफॉल्ट है टाइम मतलब क्या प्रोड्यूस करता है इंडिगो फेरा बस फिनिश। और बाद में एंड मतलब एंड है और मुलायथी का मतलब मेडिसिनल प्लांट्स है, मुलायथी का मतलब मेडिसिनल प्लांट्स है जिसको हम मुलायथी बोलते हैं। मेरी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन बताया मैंने आपको और ये हर एक फैमिली के अंदर जो प्लांट्स है वो मेडिसिनल प्लांट पर यूज होते हैं ओके। ये पूरा इंफॉर्मेशन मैंने आपको फैमिली का बता दिया ठीक है, फैबेसी फैमिली फिनिश। नेक्स्ट सेकंड फैमिली कौन सी है, सोलनेसी, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको सेम दे दूंगा मैं ओके। सोलनेसी फैमिली की क्या इंफॉर्मेशन है सेम बहुत इजी है,
ये फैमिली आपको आप अगर याद रहेगी तो सेकंड फैमिली याद करना बहुत जरूरी है। सेम कैरेक्टर और से विजिटिव कैरेक्टर फ्लोरल कैरेक्टर वैसे याद करना है आपको। ओके चलिए ठीक है, अभी देखते हैं सोलनिस फैमिली का कैरेक्टर्स। सेकंड फैमिली इट इज द लास्ट फैमिली कॉमनली नोन एज पोटैटो फैमिली, जिसको क्या बोलते हैं पोटैटो फैमिली, जिसको क्या कहा था फैबेसी फैमिली, मतलब फैबेसी फैमिली को क्या बोलते हैं लिग्यूम फैमिली बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं पोटैटो फैमिली बोलते हैं, कॉमन नेम पोटैटो फैमिली बोलते हैं। ओके इसको सुनने से को वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन एंड टेम्परेट जोन्स। ट्रॉपिकल मतलब ड्राई रीजन में, सब ट्रॉपिकल मतलब मीडियम ड्राई एंड टेम्परेट मतलब कोल्ड रीजन में रहते हैं। ओके इसके विजिटिव कैरेक्टर क्या है, सेम वही हैबिट, मतलब हैबिट कहाँ है, हैबिट कैसे प्लांट्स की, कुछ हर्ब है कुछ श्रब है कुछ ट्रीज है। ओके स्मॉल ट्री रहते हैं, रूट कैसे टैप रूट क्यों, क्योंकि ये भी डाइकॉट है इसलिए, डाइकॉट है इसलिए क्या बोलते हैं। ओके ये ठीक, मैंने आपको फैमिली का नाम याद रखने के लिए बताया था। ओके हर्ब है विजिटिव कैरेक्टर में, हैबिट कैसे हर्ब श्रब स्मॉल ट्री है, रूट कैसे टैप रूट है डाइकॉट है इसलिए, स्टेम कैसे हर्बेसियस है मतलब डेलिकेट रहता है, स्टेम डेलिकेट रहता है कभी कभी उड़ी रहता है, एरियल मतलब हवा में आता है, एरियल मतलब स्टैंड होता है, सिलिंड्रिकल रहता है स्टेम। ओके सॉलिड है मतलब अंदर कुछ कैविटी नहीं है स्टेम की, स्टेम के अंदर सॉलिड नेचर है, ब्रांच का है कभी कभी हलो भी है, और स्टेम के ऊपर कभी कभी हेयर फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हेयर फॉर्म होते उसको बोलते हैं ग्लैबरस स्टेम। अगर स्टेम के ऊपर हेयर आ गए तो क्या बोलेंगे उसको ग्लैबरस स्टेम बोलते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम भी रहते हैं कुछ प्लांट में जैसे कि पोटैटो, पोटैटो में आपको पता होगा जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड रहता है। ओके तो ये हो गए किसके कैरेक्टर, विजिटिव कैरेक्टर फिनिश। ओके इस प्लांट की क्या हो गए विजिटिव कैरेक्टर। लीव्स कैसे इसके, लीव्स कैसे, लीव्स सिंपल है, लीव्स कैसे अल्टरनेट है, अल्टरनेट पता है आपको सिंपल टाइप है, रियरली पिनेंटली कंपाउंड, पिनेंटली कंपाउंड रहते हैं कभी कभी स्टिपुलेट मतलब स्टिप्यूल नहीं है, स्टिप्यूल एब्सेंट है। ओके एंड कभी कभी हेली है और वेनेशन रेटिकुलेट है क्यों, क्योंकि ये डाइकॉट है इसलिए लीफ के अंदर का वेनेशन रेटिकुलेट है। ये हो गया फैमिली का कौन सा कैरेक्टर, इस फैमिली का विजिटिव कैरेक्टर खत्म हो गया, इसका सोलनिस फैमिली का विजिटिव कैरेक्टर फिनिश। ओके बाद में सोलनिस फैमिली का, सोलनिस फैमिली का फ्लोरल कैरेक्टर क्या है। ओके फ्लोरल कैरेक्टर में आपको मैं बता रहा हूँ अभी इसका भी, फ्लोरल कैरेक्टर का इसका भी बता रहा हूँ मैं आपको, सेम वैसे आपको अरेंज करना है। फ्लोरल कैरेक्टर के लिए क्या है, यहाँ पे सिमेट्री कैसे बेटा, यहाँ पे सिमेट्री कैसे है, रेडियल सिमेट्री है इसलिए इसको क्या कैसे लिखा जाता है, दिस इज एक्टिनोमर फ्लावर्स, एक्टिनोमर फ्लावर मीन्स रेडियल सिमेट्री है इस फ्लावर पे पहली बात। ओके उसके बाद ओके इसका फैमिली का अगर इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है तो सबसे पहले इंफ्लोरेसेंस, व्हाट इंफ्लोरेसेंस, बंच ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो बंच है वो कैसा है इंफ्लोरेसेंस, कभी कभी फ्लावर सॉलिड मतलब सिंगल रहते हैं ना, समटाइम फ्लावर्स आर बॉर्न सिंगली व्हाट दैट सॉलिटरी। ओके एक्चुअली रहते हैं कभी कभी एक्चुअली मतलब लीफ के बेस को रहते हैं, फ्लावर्स आर बॉर्न एट द बेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड एक्चुअली। ओके साइमोस है और सोलेनम टाइप की है, साइमोस टाइप का इंफ्लोरेसेंस किस में रहता है, सोलेनम में रहता है, सोलेनम मतलब पोटैटो में रहता है, साइमोस टाइप का इंफ्लोरेसेंस। ओके फ्लावर कैसे बायसेक्सुअल है, फ्लावर कैसे बायसेक्सुअल है, ओके मेल फीमेल है इसलिए मैंने आपको बोला ये क्या है सिमेट्री, कैसे सिमेट्री, सिमेट्री कैसे रेडियल सिमेट्री है तो इसका सिंबल ऐसा है, बायसेक्सुअल फ्लावर कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, फ्लावर बायसेक्सुअल है, सिमेट्री कैसे रेडियल है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स है। ओके कैलिक्स में सेपल कितने हैं, कैलिक्स में सेपल कितने हैं फाइव, कैलिक्स के अंदर सेपल कितने हैं फाइव है और ये फ्यूज है ना, कैलिक्स के अंदर जो सेपल है वो फाइव है और फ्यूज है तो हम क्या कहेंगे उसको यूनाइटेड परसिस्टेंट वेलवेट एस्टिवेशन है और गैमोसेपल्स, गैमोसेपल्स का मतलब फ्यूज है, कभी कभी सेपल नहीं गिरते मतलब निकल नहीं जाते फ्रूट फॉर्मेशन तक तो उसको कहते हैं परसिस्टेंट सेपल, पर ब्रिंजल में आपने देखा है, ब्रिंजल, ब्रिंजल में आपने देखा है जो सेपल है वो गिरते नहीं है एजिटी रहते हैं। करोला कैसे, करोला फाइव पेटल्स है, गैमोपेटलस, करोला में क्या है फाइव पेटल्स है और गैमोपेटलस मतलब फ्यूज पेटल है, मैंने आपको कल ही बताया था जब ब्रैकेट डाल रहा हूँ मैं
जब मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ इसका मतलब वो फ्यूज है ना, उसको हम पोजिशन बोलते हैं। कोरोला में क्या है, फाइव पेटल्स है, गैमो पेटल्स, वेलवेट एस्टिवेशन है इसका। इसका एस्टिवेशन कैसा है, वेलवेट है, कल मैंने आपको एस्टिवेशन बताया था। एंड्रोशियम में स्टेमन कितने हैं, एंड्रोशियम में स्टेमन कितने हैं, फाइव है। और ये जो स्टेमन है अटैच होते हैं किसको, कोरोला के साथ। एंड्रोशियम में स्टेमन कितने हैं, एंड्रोशियम है फाइव स्टेमन्स एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एपिपेटलस। एपिपेटलस मतलब पता है आपको, पेटल के ऊपर स्टेमन अटैच होते हैं उसको एपिपेटलस बोलते हैं। ब्रिंजालस का एग्जांपल आपको बताया था। और एंथर जो है वो डायकिनस एंथर है, ओके, बायोथेस मतलब डायकिनस एंथर है, बायलोड, ओके। ये हो गया एंड्रोशियम के बारे में। गायनोशियम में क्या है, गायनोशियम में देखते हो आप, ये गायनोशियम है, कार्पेल कितने हैं, दो, और बायकार्पेल भी बोलते हैं उसको, गायनोशियम विथ टू कार्पेल, तो उसको कहते हैं हम लोग बायकार्पेलरी सिनकार्पस। सिनकार्पस क्यों कहा है, क्योंकि ब्रैकेट डाल दिया ना, फ्यूज है, कार्पेल फ्यूज है, इसीलिए हम उसको सिनकार्पस बोलते हैं। ओवरी सुपीरियर है इसलिए जी के नीचे लाइन लगा दी, ओवरी सुपीरियर है इसलिए जी के नीचे लाइन लगा दी, उसको सुपीरियर ओवरी बोलते हैं, ओके। देन ऑब्लिक सेप्टा रहता है एंड बायलॉकुलर है, टू लॉबुल्स है, प्लासेंटा सोलन है, मिनी ओवल रहते हैं एंड प्लासेंटेशन एक्साइल, एक्साइल प्लासेंटेशन रहता है इसके अंदर। एक्साइल मतलब सेंटर में सीड अटैच होते हैं, ओवल अटैच होते हैं, उसको एक्साइल प्लासेंटेशन बोलते हैं। फ्रूट कैसा है इसका, फ्रूट में भी मेनी सीडेड, मे बी बेरी और कैप्सूल, मेनी सीड रहते हैं फ्रूट के अंदर, और वो बेरी टाइप का भी है और कैप्सूल टाइप का भी है, फ्रूट मैंने बताया था आपको, ओके। और सीड जो है मिनी है, सीड है मिनी, और ये भी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड रहते हैं यहाँ पे भी। और फ्लोरल फार्मूला तो आपके सामने दिया हुआ है, फ्लोरल फार्मूला कैसे याद किया जाए, कैसे याद किया जाए, एक्टोमर फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर, कैलिस विद फाइव सेपल, गैमोसेपल्स, कोरोला विद फाइव पेटल, गैमोपेटल्स, एंड्रोशियम विद फाइव स्टेमन, ईपी पेटल्स, क्यों, क्योंकि स्टेमन जो है पेटल के ऊपर अटैच हुए, गायनोशियम विद बायोकार्पेलरी ओवरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, ओके। ये हो गया गायनोशियम के बारे में इंफॉर्मेशन, ओके, सीड हो गया, फ्लोरल फार्मूला हो गया। अभी इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसे याद किया जाए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसका, इस फैमिली का। जैसे इसके लिए मैंने आपको सेंटेंस बताया था कैबिसी फैमिली के लिए, जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया था वैसा ही सेंटेंस मैं आपको सोलनेस फैमिली के लिए बता रहा हूँ याद रखने के लिए, ओके। फैमिली का नाम याद रखने के लिए सेंटेंस बता रहा हूँ, याद रखना है सेंटेंस। बेला, बेला आश्वपे, बेला आश्वपे टोबैको, बेला आश्वपे, बेला आश्वपे टोबैको, ओके। सेंटेंस याद रखने के लिए सब्जी लेने चली, सब्जी लेने चली कौन, बेला, बेला जो है वो एक लड़की का नाम है, वो आशो पे मतलब घोड़े पे, ओके, टोबैको और सब्जी लेने चली। तो याद कैसे किया जाए इसका नाम, बेला मतलब याद रखना है, बेला मतलब बेलेडोना, क्या है, मेडिसिनल प्लांट से, बेला मतलब बेलेडोना मेडिसिनल प्लांट से, आशो मीन अश्वगंधा, क्या है, मेडिसिनल प्लांट से, तो बेलेडोना अश्वगंधा मेडिसिनल प्लांट से हो गया ये। नंबर दो, पी मतलब पिटूनिया, पे, पे मतलब पिटूनिया, पिटूनिया क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। टोबैको मतलब क्या है, फ्यूमिंग स्मोकिंग के लिए यूज करते हैं, च्यूइंग के लिए यूज करते हैं टोबैको, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूमिगेटरी प्रॉपर्टी बोलते हैं टोबैको की, ओके। सब्जी मतलब क्या है बेटा, सब्जी मतलब वेजिटेबल्स, सब्जी मतलब वेजिटेबल्स, कौन आता है वेजिटेबल में, टोमेटो ब्रिंजाल पोटैटो, टोमेटो ब्रिंजाल पोटैटो फूड है, फूड है, वेजिटेबल है, इसलिए उसको सब्जी कहा है, ओके। लेने, लेने मतलब लेने के लिए, और चिली मतलब चिली, चिली का मतलब चिली, ये हो गया प्लांट्स, और चिली क्या है, स्पाइसेस है, चिली क्या है, स्पाइसेस है, फिनिश। ये हो गया फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में उसका जो जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसका इंपॉर्टेंस मतलब मेडिसिनल कौन से है, ऑर्नामेंटल कौन से है, फ्यूमिगेटरी कौन से है, फूड कौन सा है, स्पाइसेस कौन से, ये प्लांट का एग्जांपल भी बताया और उसके टाइप भी बताया मैंने आपको। और जो तीसरी फैमिली है, थर्ड फैमिली जिसको हम याद करना जा रहे हैं अभी, ओके, उसका नाम है लिलिएसी,
ओके थर्ड फैमिली का नाम क्या है, लिलिएसी। इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देखते हो लिलिएसी का। ओके थर्ड फैमिली जो लिलिएसी है कॉमनली नोन एज लिली फैमिली, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग, लिली फैमिली। और याद रखना आपको दिस इज द फैमिली ऑफ मोनोकॉट, क्योंकि पहले जो दो फैमिली थे वो किसके थे, ये जो पहले दो फैमिली थे किसके थे, डायकॉट के थे, और लिली फैमिली कैसे लिलिएसी मोनोकॉट फैमिली है। ओके प्लांट बिलोंग टू फैमिली मोनोकॉटिडॉन, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब इसकी भी विजिटिव कैरेक्टर क्या है, उस फैमिली के विजिटिव कैरेक्टर में बताने जा रहा हूँ। पहला हैबिट, प्लांट का हैबिट क्या है, प्लांट पेरिनियल हर्ब है, अंडरग्राउंड बल्ब रहते हैं कभी कभी, कॉर्म है, राइजोम है, इसका स्टेम का है नेचर, रूट कैसे एडवांटेजियस है, क्यों, क्योंकि आपको पता है मोनोकॉट है तो रूट एडवांटेजियस टाइप के रहते हैं ना, फाइबरस रूट रहते हैं, मोनोकॉट प्लांट रूट एडवांटेजियस रहते हैं। ओके स्टेम एरियल मतलब हवा में आता है, कभी कभी अंडरग्राउंड है, हर्बेसियस है और कभी कभी वुडी है, हर्बेसियस मतलब सॉफ्ट है, वुडी मतलब कभी कभी हार्ड रहता है, लीव्स मोस्टली बेसल रहते हैं मतलब बेस को आते हैं, सभी लीव्स बेस को आते हैं इसलिए उसको बेसल कहा गया है। ओके और अल्टरनेट है, लीनियर है, एस्टिपुलेट है मतलब विदाउट स्टिप्यूल है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मोनोकॉट में आपको पता है वेनेशन कैसा रहता है, पैरेलल वेनेशन रहता है, ये दोनों में कैसा था, रेटिकुलेट वेनेशन था, इसमें कैसा है, लीफ में वेनेशन पैरेलल है, ये हो गया विजिटिव कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर क्या है। ओके फ्लोरल कैरेक्टर हम आगे और फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके फ्लावर कैसा है, फिर फ्लावर की सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री है, तो एक्टोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल है, तो ये सिंबल आ गया, एक्टोमॉर्फ फ्लावर आ गया, बायसेक्सुअल आ गया, सेम है दोनों के तरफ यहाँ पे भी। ओके इंप्रोडक्शन कैसा है, यहाँ पे सॉलिटरी है मतलब अकेला रहता है, साइमोल है, ऑफन एम्बुलेट क्लस्टर्स, कभी कभी एम्बुलेट का मतलब एम्बुलेट जैसा छतरी जैसा फॉर्म होता है इंप्रोडक्शन। फ्लावर का मैंने बता दिया नेचर, बायसेक्सुअल है। ओके एक्टोमॉर्फिक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात टेपल जो है सिक्स है, इसको हम पेरियान बोलेंगे या फिर आप यहाँ पे कैलिस बोलेंगे क्या, नहीं, कॉर्ला बोलेंगे क्या, नहीं, तो क्या बोलेंगे, पी फॉर पेरियान। और पेरियान में स्टेमन है, पेरियान में जो टेपल है, पेरियान का जो इंडिविजुअल मेंबर उसको क्या बोलते हैं, टेपल्स। तो टेपल कितने हैं, 3+3 ना, टेपल कितने हैं, 3+3। और कंडीशन कैसी है, ईपी टेपलस। ओके गाइनोशियम कैसा है, ओके स्टेमन में कितने बेटा, स्टेमन मतलब एंट्रोशियम में स्टेमन कितने हैं, 3+3। और ये दोनों को लाइन में जोड़ रहा हूं मैं, मतलब क्या है कंडीशन, पेरियान विथ 3+3 टेपल, एंट्रोशियम विथ 3+3 स्टेमन एंड ईपी टेपलस, या उसको हम बोलते हैं ईपी फाइलस लिली में होता है ऐसा। ओके ईपी फाइलस कंडीशन है, ओके ईपी टेपलस बोलते हैं। गाइनोशियम कितना है, गाइनोशियम विथ ट्राइकार्पेलरी, गाइनोशियम के अंदर कार्पेल कितने हैं, 3 है, ट्राइकार्पेलरी सिंकार्पस। ओके और सुपीरियर ओरी, आपको और एक मैं ट्रिक बताता हूँ याद रखने के लिए, मोनोकार्पेलरी, बायकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, पहली फैमिली एक कार्पेल, दूसरी फैमिली दो कार्पेल, तीसरी फैमिली 3 कार्पेल, मोनोकार्पेलरी, बायकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, याद रखने के लिए गाइनोशियम भी याद रखना है। फैमिली का नंबर जो है उसी अकॉर्डिंग गाइनोशियम का नंबर है ना। ओके ये हो गया गाइनोशियम के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके सो दिस इज अबाउट गाइनोशियम, मेनी ओव्यूल है, ट्रायकार्पेलर है, सुपीरियर है, एक्सियल प्लेसेंटेशन है, फ्रूट कैसा है, कभी कभी कैप्सूल है, कभी कभी बेरी है, फ्रूट्स। ओके सीड एंडोस्पर्मिक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे मोनोकॉट रहने की वजह से सीड के अंदर एंडोस्पर्म रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। ओके और लास्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का बता रहा हूँ मैं आपको, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको और मैं आपको याद रखने के लिए सेंटेंस दे रहा हूँ, आसपास अकेली क्यूट गर्ल, आसपास अकेली क्यूट गर्ल। ओके फैमिली के अंदर आने वाले जो एग्जांपल है उसको याद रखने के लिए मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, आसपास अकेली क्यूट गर्ल टर्निंग, क्यूट गर्ल टर्निंग कैसे याद किया जाए, फैमिली में नाम कैसे याद किया जाए, आसपास का मतलब आसपरागस, आसपास का मतलब आसपरागस क्या है, विजिटेबल प्लांट्स है। ओके अकेली का मतलब क्या है, अकेली का मतलब एलोवेरा, एलो मेडिसिनल प्लांट्स है। ओके कोच का मतलब
या क्यूट का मतलब क्या है, क्यूट मतलब कोल्डिसिन, क्यूट का मतलब कोल्डिसिन न्यूटोजेनिक प्लांट्स है। ओके, गर्ल का मतलब ग्लोरियस, गर्ल का मतलब क्या है ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा क्या है ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। और टर्निंग का मतलब क्या है ट्यूलिप, टर्निंग का मतलब क्या है ट्यूलिप, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। और ट्यूलिप क्या है, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। तो ये है प्लांट्स अकॉर्डिंग टू दैट नेचर। यंग शूट जो है एस्पैरागस प्लांट्स के हम खाते हैं, वेजिटेबल बोल के खाते हैं, कुकिंग करके खाते हैं। ओके, तो हो गए इसके एग्जाम्पल्स। और ये फैमिली के थ्री तत्व बताया मैंने आपको, ये बहुत ही सिंपल वे है फैमिली स्टडी करने का, और ये आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। और 100% इसके ओपन नीट में क्वेश्चन आने का चांसेस है। ओके, इसलिए फैमिली का कैरेक्टर्स और उसका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम ये भी आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट फ्लोरल फार्मूला जो है वो आप याद रखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखा। फ्लोरल फार्मूला कैसे याद किया जाए उसका तो ट्रिक आपको मैंने बता दिया पूरा हमने, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाते थे फाइव 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 फाइव, यहाँ पे थ्री 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 है ना, तो ऐसा ट्रिक याद करना है बस। यहाँ पे फाइव फाइव टेन फाइव फाइव टेन फाइव 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 थ्री 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 थ्री, बस ऐसा याद करना है। ओके, तो इस तरीके से आप फैमिली का इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हो। और Flowering plants or angiosperms are the most diverse group of plants on earth. These plants are categorized into different families based on their morphological characters. Let's describe a few important flowering families. The Fabaceae family, earlier known as Papilionoideae, is a subfamily of the Leguminosae family. Plants belonging to this family can be trees, shrubs or herbs, and are found all over the world. The roots of these plants have root nodules, and their stems are erect or are climbers. Their leaves are alternate and may be simple or pinnately compound. Moreover, the leaf base is pulvinate with stipules, and the leaves have reticulate venation. The flowers are arranged in racemose inflorescence and are bisexual and zygomorphic. The calyx has five sepals that are gamosepalous with imbricate or valvate estivation. The corolla has five petals and is polypetalous. Moreover, the petals are papilionaceous and consist of a posterior standard, two lateral wings, and two anterior ones forming a keel. The estivation is descending imbricate or vexillary. In these plants, the andrecium consists of 10 stamens that are diadelphous with a dithicous anther. The gynoecium has a superior ovary and is monocarpellary, which means it has just one carpel. The ovary is unilocular with many ovules, and these flowers have a single style. Fruits of this family are legumes with one to many non-endospermic seeds. The floral formula and the floral diagram of the Fabaceae family are as shown. The economic importance of plants belonging to the Fabaceae family are also many. Gram, moong, and soya bean are pulses. Soya bean and groundnut produce edible oil. Indigofera is a dye. Sun hemp is a fiber. Sesbania and trifolium are used as fodder. Lupin and sweet pea are ornamental plants. And mulaithi is used as a medicine. Another important family is the Solanaceae family, commonly known as the potato family. Plants belonging to this family are found in the tropics, subtropics, and temperate zones. These plants are usually herbs, shrubs, and small trees. Their stems are herbaceous, rarely woody, aerial, erect, cylindrical, branched, solid or hollow, and hairy or glabrous.
Sometimes, the stems grow underground, as seen in potato. In these plants, the leaves are alternate and simple, and are very rarely pinnately compound. Moreover, they are ex-stipulate, or without stipules, and have reticulate venation. The flowers are arranged in cymose inflorescence, or may be solitary or axillary. Moreover, they are bisexual and actinomorphic. The calyx has 5 sepals, which are united and persistent with valvate aestivation. Like the calyx, the corolla also has 5 petals that are united with valvate aestivation. In these plants, the andrecium has 5 stamens and is epipetalous, and the gynoecium is bicarpillary and syncarpous. The ovary is superior and bilocular, and the placenta is swollen with many ovules. The fruits of these plants are berries or capsules with many endospermic seeds. The floral formula and the floral diagram of the Solanaceae family are as shown. Many plants like tomato, brinjal and potato, belonging to the Solanaceae family, are used as food. Chili is used as a spice, and belladonna and ashwagandha are used as medicines. Tobacco has fumigatory properties, and petunia is an ornamental plant. Another important family is the Liliaceae family, or the lily family, which is a characteristic representative of monocot plants. Plants belonging to this family are perennial herbs with underground bulbs, rhizomes or corms, and these plants are found all over the world. The leaves of these plants are generally basal, alternate, and linear. Also, they are ex-stipulate with parallel venation. The inflorescence is either solitary or cymose, usually with umbellate clusters, and the flowers are bisexual and actinomorphic. In these plants, the calyx and the corolla are fused to form the perianth, which has 6 tepals, usually united into a tube. Also, the perianth has valvate aestivation. In the Liliaceae family, the andrecium consists of 6 stamens, and the gynoecium is tricarpillary and syncarpous. The ovary is superior and trilocular, with many ovules arranged in axial placentation. Fruits belonging to this family are generally capsules and are rarely berries, while the seeds are endospermous. The floral formula and the floral diagram of the Liliaceae family are as shown. Plants like tulips and gloriosa, belonging to the Liliaceae family, are ornamental plants. Some like aloe and colchicum autumnal are used as medicines, and asparagus is used as a vegetable. Therefore, the description of a flowering plant includes its vegetative characters, floral formula, and floral diagram, and provides vital information about the plant.